नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आई प्राइम चर्चा में आज हम चर्चा करते हैं धीरेंद्र सिंह उर्फ धीरू की, जो कि एक समाज सेवी हैं। उन्होंने किस आगामी चुनाव को लेकर साझा की है उन्होंने जानकारी। समाज की सेवा करके ही मानव जन को सार्थक किया जा सकता है। अगर राजनीति की बात करें तो इसमें समाज सेवा की भावना को होना बहुत महत्वपूर्ण है और होना भी चाहिए, कि ये भी वो माध्यम है जिसके द्वारा हम निस्वार्थ भाव से बिना किसी भेदभाव के आम जनता की सेवा करते हैं। ऐसे ही एक महान व्यक्ति आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो एक कुशल व्यवसायी के साथ साथ एक बेहतर राजनेता और लगनशील समाजसेवी हैं, जो सेवा परमो धर्म की भावना को हमेशा से सार्थक करते नजर आए हैं। आइए स्वागत करते हैं एसएसपी ग्रुप के चेयरमैन और वरिष्ठ भाजपा नेता धीरेन्द्र सिंह उर्फ धीरू का। तो आइए स्वागत करते हैं धीरेन्द्र सिंह धीरू का, जो कि एक समाज सेवी है। किस तरीके से उन्होंने समाज सेवा और राजनीति में अपना कदम रखा है, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है धीरेन्द्र जी आज। जी तो धीरेन्द्र जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि आप किस तरीके से, जो आपकी समाज सेवा का आपने काम शुरू किया था, वो समाज सेवा आपने कब से शुरू की है? समाज सेवा हम 2012 से ही करते आ रहे थे विभिन्न क्षेत्रों में, लेकिन जब कोविड की पहली लहर आई तो उसमें जो पहला 21 दिन का लॉकडाउन हुआ उसमें काफी बढ़ करके चीजों को शुरू किया गया, क्योंकि उस समय हर चीजें बंद हो गई थी। तो उसको देखते हुए पूरी टीम लगा के लोगों को खाना राशन पानी का खाना राशन पानी का चीज देना शुरू किया है। जी, और जैसे कि प्रवासी मजदूर आ रहे थे हमारे जो जिले के बॉर्डर थे, उस पर हमने 24 आवर किचन चालू किया जिससे उन लोगों को 24 घंटा भोजन। जी, और अब आप राजनीति में भी कदम रखने वाले हैं, तो राजनीति में आपका क्या मोटिव रहेगा, किन मुद्दों को लेकर आप राजनीति में अपना कदम जमाएंगे? राजनीति में आने का मोटिव ये रहा कि जब समाज सेवा शुरू किया गया तो लोगों की इच्छाएं ये रही कि उनके कुछ काम को जो प्रशासन के द्वारा कराया जा सके, उसमें बिना कोई पद पे आए हुए उसको संभव नहीं है कि हम करा सके। तथा हमारा जिला अति पिछड़े में आता है, तो प्रथम तो हमारा ये है कि उसको प्रथम अग्रणी में लाया जाए, जिससे पिछड़ी से सब तो ये बहुत दिक्कत है, व्यवसायिक नहीं है, कुछ उद्योग लाया जाए, इसलिए आने का सब्जेक्ट था कि कुछ अगर हम लोग आएंगे तो कुछ अलग चीजें लाएंगे राजनीति से हटके। हमारे साथ धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धीरू जुड़े हुए हैं, जो काफी समय से समाज सेवा करते आ रहे हैं और अपने क्षेत्र में अपना परचम लहरा रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी की दावेदारी भी ये पेश कर रहे हैं। अब धीरेन्द्र जी, धीरेन्द्र जी आपको हमारी आवाज आ रही है? जी आ रही, आ रही। जी तो धीरेन्द्र जी, आप अभी हम लोग राजनीति में बात कर रहे हैं और आपसे समाज सेवा की बात हम कर चुके हैं, धीरेन्द्र जी ये बताइए कि अब आप जैसे राजनीति में भी आप अपना कदम रख रहे हैं, राजनीति से भी जुड़े हुए हैं, समाज सेवा से भी जुड़े हुए हैं, तो किस तरीके से आप राजनीति और समाज सेवा में अपना सामंजस्य बिठाएंगे, किस तरीके से दोनों चीजों को आप मैनेज करेंगे? समाज सेवा हमारा प्रथम रहा, राजनीति में आने के बाद उसको भी लेके साथ में और मजबूती के साथ समाज सेवा किया जा सकता है, और समाज सेवा ही करना हमारा प्रथम है, क्योंकि बिना समाज सेवा ही किए हमको पब्लिक ने इतना प्यार और ये सम्मान दिया है बिना पद पे रहते हुए,
इसलिए अगर उस पद को मिलता है तो ये हो सकता है कि हम समाज में कुछ और लाया जा सकता है, लाया जा सकता है, आप जो जैसे कि हम बिना पद के नहीं ला पा रहे। जी तो धीरेन्द्र जी, अब जैसे 2022 का चुनाव, विधानसभा चुनाव आने वाला है, उसमें आपकी भूमिका किस तरीके से रहेगी, किस तरीके से आप अपना लोहा मनवाने के लिए तैयारी कर रहे हैं? 2022 में पूरा आप ये जानिए कि पूरा बीजेपी ही हर क्षेत्र में आने के लिए तैयार है, और दूसरा हर व्यक्ति ये जानता है कि बीजेपी ही एक रास्ता है जो कि समाज के हर चीजों को दूर करेगी। जी तो दे, और जैसा धीरेन्द्र जी, अगर आपको बीजेपी मौका देती है आने वाले 2022 में, तो आप किस तरीके से अपने कार्य क्षेत्र में अपना का, मतलब आप किस तरीके से अपनी भूमिका निभाएंगे, किस तरीके से अपना कार्य करेंगे, वहां पर अपने क्षेत्र की जनता का विकास करेंगे? हमको संगठन अगर मौका देती है समाज की सेवा करने के लिए, तो हमारा प्रथम उद्देश्य उद्योग न होने के कारण, हमारे अति पिछड़े जिले आने के कारण यहाँ से लोगों का प्लान रहता है, वो लोग बाहर जाते हैं तभी उनको कोई रोजगार मिलता है। तो हमारा प्रथम उद्देश्य होगा कि कोई यहाँ व्यवसाय की फैक्ट्री या कोई चीज लगे, जिससे लोग बाहर जाना छोड़ दें। और मेडिकल की सुविधा कम है, लेकिन सरकार ने यहाँ मेडिकल कॉलेज, सेटेलाइट मेडिकल कॉलेज बन रहा है, वो भी आने वाले विगत वर्षों में चालू हो जाएगा, तो उससे भी स्वास्थ्य के लिए अच्छी सुविधाएं उपलब्ध हो जाएंगी। लेकिन उस पर भी और काम करने के लिए जरूरत है, क्योंकि हमारा क्षेत्र बहुत नेपाल बॉर्डर से लगा हुआ है, तराई है, और बहुत ही पिछड़ा हुआ है। तो उसको हम लोग मेहनत करके राजनीति में आने का प्रथम उद्देश्य यही है कि उसको अग्रणी में लाने के लिए ही हम इसमें आना चाह रहे हैं। धीरेन्द्र जी, आपके क्षेत्र में किसान बहुत सारे हैं, और जिस तरीके से किसान आंदोलन लगातार चल रहा है, किसानों को लेकर काफी एक हड़कंप सा मचा हुआ है, जो हाल ही में अभी लखीमपुर खीरी घटना हुई है, उसके चलते भी किसान काफी नाराज हैं। तो क्या आपको लगता है कि किसान बीजेपी से नाराज चल रहे हैं? बीजेपी किसान कोई नहीं, यहाँ एक भी किसान आपको नहीं आंदोलन करते मिलेंगे। हमारा तो सबसे अधिक गन्ना बाहुल क्षेत्र है, यहाँ हर आदमी खुशहाल है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारे यहाँ तो इतने गन्ने होते हैं कि आखिरी फैक्ट्री नहीं ले पाती है, तो इसलिए यहाँ पे किसानों का कोई भी नाराजगी नहीं है। लखीमपुर गिरी की जो, धीरेन्द्र जी, जो लखीमपुर गिरी की घटना है, उसमें विपक्षियों ने काफी आरोप बीजेपी के ऊपर लगाए हैं, उन्होंने काफी ऐसा सारा प्रोपेगेंडा सब खड़ा करा है कि बीजेपी के वजह से इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, और लगातार क्राइम बढ़ता जा रहा है और इस तरीके की घटनाएं हो जा रही है। उस पर आप क्या कहेंगे, कि क्या आपको लगता है कि उसकी वजह से ऐसी बीजेपी समाज में हो जाती है? वो सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ किसान कोई आंदोलन नहीं है। विपक्ष को तो कोई मुद्दा चाहिए ही, अब समय कम बचा है, तो उनको आने के लिए इतना हड़बड़ाहट है, वो कुछ भी ब्लेम लगा सकते हैं जी। अभी तो समय आने दीजिए, वो कुछ भी कर सकते हैं जी। माननीय योगी जी के ऊपर वो कुछ भी ब्लेम लगा सकते हैं, माननीय मोदी जी के ऊपर कुछ भी कह सकते हैं, उनको कोई भी शब्द बोलने में कोई मर्यादा नहीं, मर्यादा हर चीज वो लांग सकते हैं। क्योंकि धीरेन्द्र जी, अभी तक लगातार जैसे 2022 का चुनाव आता जा रहा है, उसके चलते विपक्षी दल कुछ ना कुछ एक मुद्दा उठा रहे हैं, ताकि वो बीजेपी की जो छवि है, जो बीजेपी ने जो अपनी छवि बनाई है, वो छवि खराब हो सके। और इसी तरीके से वो कोई ना कोई मुद्दा उठा रहे हैं, जैसे बेरोजगारी का मुद्दा उन्होंने उठा रखा है, महंगाई का मुद्दा उन्होंने उठा रखा है। इस तरीके से विपक्षी दल जो है वो बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही है, तो इसमें क्या विपक्षी दल का जो कहना है, क्या वो किस हद तक सही साबित होगा, किस हद तक क्या वो अपने जो उनकी रणनीति है, क्या वो अपनी इस रणनीति में अपनी पैठ बना पाएंगे? ये उनको सिर्फ सरकार में आने के लिए हड़बड़ाहट है, कितना जल्दी सरकार में आए और कितना जल्दी उसका शोषण करना शुरू करें, और उनकी कोई हड़बड़ाहट और उनकी राजनीति से कोई भी नहीं है। बस उनका ये है कि हमको जल्दी से आना है और शोषण शुरू करना है, क्योंकि इतना अच्छा महाराज जी गवर्नमेंट चला रहे हैं, जिससे हर पब्लिक खुशहाल है, किसी को कोई परेशानी नहीं। ये लोग तब कहाँ थे जब पहला कोविड और सेकंड कोविड आया, ये लोग घरों से निकल के बाहर कुछ करने के लिए नहीं आए। समाज की तब सेवा करके इनको दिखाना चाहिए कि समाज के लोगों के लिए कितना परेशान है।
जितना आज ये परेशान है किसानों के लिए, तब भी इनको निकल के बाहर किसानों को देखने आना चाहिए कि उनके फसल या वो सब तब कहाँ चले गए थे जब कोरोना काल आया था। जी, और धीरेन्द्र जी, जिस तरीके से बातें चल रही हैं कि भाजपा सरकार में एक बहुत बड़ा काम हुआ है जो सालों से आज तक नहीं हुआ था, राम मंदिर का एक मुद्दा जो बहुत ही बड़ा मुद्दा था जो बीजेपी सरकार में पूरा हुआ है, राम मंदिर बन रहा है, उसकी वजह से विपक्षी दल ये भी कहते हैं कि अब बीजेपी सरकार जो है धर्म के नाम पर वोट मांगने का काम करेगी कि धर्म का राम मंदिर। तो बीजेपी धर्म के नाम पे वोट मांग रही है तो वो क्यों धर्म के नाम पे वोट मांगने जाते हैं? आज उनको हनुमानगढ़ी याद आ रहा है, आज भगवान राम याद आ रहे हैं, तो आज उनको सब याद आ रहे हैं, तब कहाँ चले गए थे? तब तो किसी को याद नहीं आता था। आज तो कांग्रेस को देखिए, आज जनेऊ भी पहन लिया जाता है, टीका भी लगा लिया जाता है, गमछा भी पहन लिया जाता है। तब तो ना धर्म याद था और ना भगवान राम याद थे। और भगवान राम तो खुद ही हर जगह प्रकट है, लाने का कोई आजीवन वर्षों से वहीं पे थे जी। तो उसमें तो हर धर्म के लोग खुश हैं कि भगवान राम, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, विपक्ष वालों को प्रॉब्लम। जी धीरेन्द्र जी, जैसा कि 2020 से जो कोरोना काल एक महामारी का एक दौर जो चला है वो लगातार चलता जा रहा है, उसमें भी विपक्षी दलों ने काफी आरोप लगाए हैं बीजेपी के ऊपर कि बीजेपी ने उसमें कोई काम नहीं किया, उसमें भी इतने लोगों की मौत हो गई है, उसमें सही से संसाधन उनको प्रोवाइड नहीं कराए गए, उन्होंने कुछ भी ऐसा काम नहीं किया है, और इसी के चलते काफी विपक्षी दलों ने आरोप लगाए हैं। उसी में आपने बहुत सारे काम किए हैं अपने क्षेत्र में अपने कोरोना का कोविड को लेकर, उसमें क्या पूरी दुनिया ने भारत को सराहा है कोविड काल में प्रबंधन को लेकर। जिस तरह हम लोगों इतना बड़ा 25 करोड़ से ऊपर की आजादी का हमारा प्रदेश है आबादी का, उसके बाद भी हम लोग कितना जल्दी से कंट्रोल किए हैं केरल और अन्य प्रदेशों के अपेक्षा, उसको भी देखकर उन लोगों का आंख नहीं खुल रहा है। तो वो तो कोई भी ब्लेम लगा सकते हैं क्योंकि उनको घर से निकलना नहीं, अब उसे बाहर आ गए हैं तो अब वो क्लास पढ़ के अपना 13 सब्जेक्ट शुरू कर दिए हैं। कैसे आना है तो वो इस समय आप समय आओ, करीब आने दीजिए, कई मुद्दाएं वो लाएंगे जिसका कोई निराधार रहेगा, वो कोई भी ब्लेम किसी के ऊपर लगा सकते हैं, सिर्फ उनको सरकार में आने की हड़बड़ाहट है कितना जल्दी वो आ जाए। धीरेन्द्र जी, आने वाले 2022 के चुनाव में जैसे महिलाओं को लेकर भी काफी एक हड़कम, एक अलग सा एक माहौल बना हुआ है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं और आज तक वो उसकी शिकार होती जा रही हैं, कोई ना कोई अपराध बढ़ता जा रहा है महिलाओं को लेकर। अगर 2022 के चुनाव को लेकर महिलाओं को लेकर आपने क्या चीज सोच रखी है कि किस तरीके से आप महिलाओं के अपराध जो बढ़ता जा रहा है उसकी रोकथाम के लिए और क्या कुछ महिलाओं के उद्धार के लिए आप करने वाले हैं? महिलाओं का उद्धार तो गवर्नमेंट कर ही रही है, माननीय योगी जी पूरा जो महिलाओं के ऊपर ही है उनका। दूसरा, अगर हमको भी मौका मिलता है, महिलाओं के सुरक्षा के लिए जितने इस समय आप अगर कोई भी कार्यक्रम या कहीं भी कोई स्थल पे कोई भी होता है योजना होता है तो जितने पुरुष पुलिस होते हैं उससे में सुरक्षा के लिए, तो अगर उनको समाज में सुरक्षा की जिम्मेदारी दी जा रही है तो वो महिलाओं की पूरी सुरक्षा कर रही है, इसको समाज देख रहा है। जहाँ की पहले 10 पुलिस अगर पुरुष होते थे तो एक महिला पुरुष होती थी, आज 10 के 10 होते हैं, तो इसलिए समाज को अगर देखिए तो बहुत ही बदलाव आ चुका है। लेकिन विपक्ष तो कहता है कि आज के दौर में, आज की सरकार में, मौजूदा सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, फिर ऐसा क्यों विपक्ष ये कहते हैं? उनको अपने दिन भूल गए जब पिछले बार हर प्रदेश हर जिले में हर कस्बे में बलात्कार हो रहे थे, तब उनको वो दिन नहीं याद है, वो गवर्नमेंट से क्यों आज उनसे गवर्नमेंट हाथ से चली गई? इसलिए समाज के हर कोने में उनके समय कितना क्राइम था कि उसकी कोई गिनती नहीं था, कि आप पर डे इतनी क्राइम आता था कि आप नंबरिंग नहीं कर सकते थे। आज कुछ नहीं हो रहा है तो उनको उसी को देख के उनको हड़बड़ाहट है। हम बता रहे हैं ना कि जैसे जैसे समय आएगा कुछ भी ब्लेम लगाना शुरू कर देंगे, क्योंकि पूज्य योगी जी से वो इतना ज्यादा परेशान है माननीय मोदी जी से, जो कुछ भी किसी के ऊपर भी ब्लेम लगा सकते हैं।
अच्छा धीरेन्द्र जी, ये जो कल सपा ने एक विजय रथ यात्रा का शुभारंभ किया है, विजय रथ यात्रा में वो अपनी उपलब्धियां कुछ गिनाना चाहते हैं और आपकी कमियों को बताना चाहते हैं, तो क्या आपको लगता है कि इससे उनको फायदा होगा और आप लोगों को नुकसान होगा? कोई विजय रथ यात्रा नहीं, वो चाय पानी का रथ यात्रा है। एक तरफ चाचा निकले, एक तरफ भतीजे निकले हैं, वो दोनों लोग पिकनिक मनाने निकले हैं, और उनका कोई विजय रथ यात्रा नहीं, वो सब फेक रथ यात्रा है। रथ यात्रा जो होता है वो समाज की सेवा करने निकलता है। इतना अगर उनको समाज की विजय रथ निकालना था तो 2 साल कहाँ थे, उस समय अपनी रथ निकाल के लोगों बीच में आ जाते। बाकी यह है कि आने वाले 2022 चुनाव में आपकी क्या रणनीति रहेगी, आपको मौका दिया जाएगा, किस तरीके से आप अपना सारी चीजें करेंगी, जो आपकी जो समाज सेवा का जो आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं, लगातार करते आ रहे, कोविड काल में भी आपने बहुत अच्छा काम किया है, काफी आपने लोगों की सहायता की है उस दौरान भी, तो क्या जो आगे वाले जब आपको एक मौका दिया जाएगा तब आप इसमें और क्या इजाफा करने वाले हैं, किस तरीके से और अपनी समाज सेवा और राजनीति को किस तरीके से बढ़ावा देने वाले हैं? हमको अगर पार्टी मौका देती है तो हमारे जिले की जो चारों सीटें हैं उस पर दिन रात मेहनत करके चारों सीटों को विजयी किया जाएगा, तथा पार्टी को मजबूत किया जाएगा, प्लस हम अपने जिले को पिछड़े से आगे लाने की पूरी कोशिश करके ये हमारा प्रयास रहेगा। बाकी धीरेन्द्र जी, आपको राजनीति में और किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, किस तरीके की चुनौतियां आज तक आपके पास रहीं और आगे भी जो चुनौतियां होंगी उनको किस तरीके से आप उसको संतुलन बनाएंगे, किस तरीके से आप उनको मैनेज करेंगे? चुनौती नहीं लेनी पड़ी, क्योंकि समाज ने इतना हमको प्यार दिया समाज सेवा करने का कि आज हम किसी भी न पद पे होते हुए भी समाज की स्थिति है कि समाज का हर तबका हमसे मिलना चाहता है, जुड़ना चाहता है, वो खुद आशीर्वाद दे रहा है कि आप ये आ जाइए, वो कर दीजिए। तो हमको राजनीति में कोई चुनौती नहीं है। जो विपक्ष के राजनीति के नेता हैं उनको दिक्कत हमसे अपेक्षा है कि हमारे आने के बाद उनका दुकान बंद हो जाएगा। तो ये थे हमारे साथ धीरेन्द्र प्रताप सिंह जी, जो एक समाज सेवी हैं और लगातार बलरामपुर क्षेत्र से काफी हद तक काफी अच्छा समाज सेवा करते आ रहे हैं, समाज सेवा के साथ में ये राजनीति में भी अपना परचम लहरा रहे हैं और आगने वाले इस चुनाव में भी आगे उन्होंने अपनी रणनीति तय कर रखी है कि किस तरीके से वो लोगों में अपना सामंजस्य बनाएंगे और किस तरीके से अपनी पैठ को मजबूत करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।